आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और शुरू करते हैं तेज तर्रार शतक। देश में ओमिक्रॉन के 9 और मामले आए सामने। गुजरात के जामनगर में 2 और महाराष्ट्र के 7 केस। कश्मीर घाटी में मस्जिदों में याद किए गए बिपिन रावत, नमाज के बाद दी गई श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में पकने लगी सियासी खिचड़ी, कौल सिंह बोले वरिष्ठता पर सबसे ऊपर वो। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू, सुगम यातायात के लिए अभी करना होगा इंतजार। सरकार ने शुरू की नई सीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया, सेना प्रमुख जनरल नरवणे अनुभव व वरिष्ठता के लिहाज से सबसे प्रबल दावेदार। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 जवानों के शवों की हुई पहचान, सैन्य सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। वायुसेना की अपील, कहा हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर अटकलें लगाने से बचे, जल्द पूरी होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, पत्रकारों को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले मानव गरिमा को पूर्ण सम्मान के लिए भेदभाव रहित होना पहली शर्त। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, माता पिता और शिक्षकों को बच्चों व ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किया गया आगाह। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों को याद में कुंडली बॉर्डर पर बनेगा शहीद स्मारक, एसकेएम जमी की तलाश में जुटा। गोवा में प्रियंका गांधी के आदिवासी महिलाओं संग नृत्य पर बना विवाद, बीजेपी ने साधा निशाना। सीएम ममता बनर्जी ने भरी सभा में सांसद महुआ मोइत्रा को लगाई जमकर फटकार। गुरुग्राम में नमाज पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का रुख हुआ सख्त, कहा खुले में नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं। विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश, बोले बख्तियारपुर में बाढ़ तक गंगा से गांव को हटाएंगे। यूपी में 15 करोड़ से अधिक लोगों को 12 दिसंबर तक मुफ्त राशन, योजना का अंत्योदय व पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सीधा लाभ। वाराणसी में 13 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, अयोध्या में भी करेंगे रामलला का दर्शन। लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर अब 6 जनवरी को होगी सुनवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को फिर घेरा, बोले कमजोर होता शासक हो जाता है हिंसक। लखनऊ में अब सड़क के नीचे बनेगा कूड़ा घर,
भरते ही कंट्रोल रूम को मिल जाएगी सूचना। आगरा में विंग कमांडर के परिवारजनों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, 50 लाख और सरकारी नौकरी का किया वादा। अलीगढ़ में दुल्हन ने लगाया दहेज की मांग का आरोप, बारात को बनाया गया बंधक। अलीगढ़ में सभी धर्म स्थलों पर होगा वैक्सीनेशन, सीएमओ ने कैंप कार्यालय पर की है बैठक, सर्वधर्म गुरुओं के साथ हुई बैठक। अलीगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत, तो मशाल यात्रा का हुआ आयोजन, यात्रा के दौरान झुलसी दो छात्राएं। अलीगढ़ में मतदाता जागरूकता का हुआ आयोजन, 122 ग्राम पंचायतों से निकाली जाएगी रैली। बांदा में सड़कों पर उतरे आक्रोशित छात्र, छात्रों ने सड़कों पर लगाया जाम। बिजनौर पहुंचे बसपा राष्ट्रीय महासचिव, बसपा पर जमकर बरसे सतीश चंद्र मिश्रा। फरुखाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो अफीम तस्कर को किया गया गिरफ्तार। फतेहपुर में नए थाने का हुआ भूमि पूजन, जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। गाजीपुर में गर्जे केशव प्रसाद मौर्य, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। झांसी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, हरियाणा में रह रहे युवक का हुआ वैक्सीनेशन। कानपुर देहात में युवक की पिटाई का मामला, एक्शन में आए अधिकारी। लखनऊ में झाड़ू लगाते दिखे स्कूली बच्चे, छात्राओं ने घर का काम करवाने का भी लगाया आरोप। लखनऊ में आबकारी विभाग के नियमों की अनदेखी, धड़ल्ले से चल रहा है शराब की बिक्री का खेल। मैनपुरी में साइबर ठगी गैंग का सदस्य हुआ गिरफ्तार, साइबर फ्रॉड में चल रहा था फरार। मैनपुरी में पिता को न्याय दिलाने के लिए बेटी ने खोला मोर्चा, मैनपुरी के ग्राम भवानीपुर का है पूरा मामला। मैनपुरी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने की कार्यक्रम की शुरुआत। रायबरेली में तंबाकू निषेध कार्यक्रम बना मजाक, जिला अस्पताल के बाहर धड़ल्ले से बेचा जा रहा तंबाकू। सहारनपुर में प्रदेश अध्यक्ष ने किया जनसभा को संबोधित, सपा बसपा पर जमकर बरसे स्वतंत्र देव सिंह। संभल में कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, कई राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा।
संभल में समाजवादी पार्टी की हुई समीक्षा बैठक, सपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र। उन्नाव में सदर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कक्षा 6 के लापता छात्र का लगाया गया पता, परिजनों ने की पुलिस की प्रशंसा। मैनपुरी में आधा दर्जन लोगों ने कराया मुंडन, हेलीकॉप्टर क्रैश, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बदायूं में भाजपाइयों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया, सीडीएस रावत समेत 12 अधिकारियों को दी गई श्रद्धांजलि। फरुखाबाद में चरम पर पहुंचा भ्रष्टाचार, ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान पति से ली रिश्वत। चमोली में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 2 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया काम का बहिष्कार। हरिद्वार में तेलू राम प्रधान ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने किया देश को लूटने का काम। देहरादून में एसपी बागेश्वर को भेजी गई चिट्ठी, प्रदेश सरकार की बड़ी मुसीबत। मसूरी में बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया बयान। नरेंद्रनगर में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। ऋषिकेश में आपने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, पार्टी की नीतियों और वादों से लोगों को कराया गया अवगत। उत्तराखंड में बिपिन रावत के लिए रुद्राक्ष और पत्नी मधुलिका की याद में लगाया गया चंदन का वृक्ष। देश के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न से किया जाए सम्मानित, उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने की मांग। देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल ने सीडीएस बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि, इसे स्कूल में की थी 3 साल तक पढ़ाई। सीडीएस रावत और पत्नी मधुलिका की अस्थियां गंगा में हुई विसर्जित, नम आंखों से बेटियों ने दी अंतिम विदाई। उत्तराखंड के सीएम की सख्त चेतावनी, सैनिकों का सम्मान सबसे ऊपर, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होगी बर्दाश्त। उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना से हटेगी पैन कार्ड की अनिवार्यता, 33,216 बालिकाएं जल्द होंगी लाभान्वित। डीएम देहरादून को शपथ पत्र के 7 आदेश का अनुपालन करने के निर्देश, प्रधान को हटाने का मामला। नैनीताल में बनेगा उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज, कॉटेज के शीशों की छत से होंगे ग्रह नक्षत्रों के दर्शन। उत्तराखंड विज में नजूल भूमि फ्री होल्ड करने को विधेयक पेश, हजारों परिवारों को मिल सकेगा मालिकाना हक। में दुनिया भर में 4,400 से अधिक प्रवासियों की हुई मौत, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने जारी की रिपोर्ट।
म्यांमार में सैन्य शासन का अनूठे अंदाज में हुआ विरोध, लोगों ने खुद को घर में कैद कर किया सेना का विरोध। पाकिस्तान में वयोवृद्ध बलूच नेता मस्ती खान गिरफ्तार, भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी भाषण देने का लगा आरोप। बढ़ेगी इमरान की टेंशन, तहरीक के तालिबान ने विराम को खत्म करने का किया ऐलान, लड़ाकों को हमला करने के दिए निर्देश। अमेरिका प्रत्यर्पित किए जा सकते हैं विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे, ब्रिटिश हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इराक में आईएसआईएस आतंकियों ने किया ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत की खबर। मॉस्को में हुआ बड़ा हादसा, घुमावदार मोड़ पर पलटा ट्रक, अब तक 53 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में मारे गए श्रीलंकाई नागरिक प्रियंता कुमार परिवार के लिए मुआवजे की उठी मांग। ट्रिब्यूनल ने शी जिनपिंग को उइगर मुसलमानों के संहार का बताया जिम्मेदार, चीन का आरोपों से इनकार। उइगरों से जबरन बनवाए गए चीनी सामान की खरीद बंद करेगा यूएस, उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम हुआ पारित। पचास हजार तक मुद्रा लोन लेने वालों के लिए खास खबर, 15 दिसंबर तक मिलेगी विशेष छूट। पचास करोड़ से ज्यादा के विदेशी लेन देन के लिए एलईआई देना जरूरी, आरबीआई ने बनाया नियम। बीएमडब्ल्यू आईएक्स को यूरो एचसीएपी क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार रेटिंग, भारत में अगले हफ्ते की जा सकती है लॉन्चिंग। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सरकार को दिए सुझाव, कहा फंड्स पर नजर रखने के लिए कड़े नियम बनाकर क्रिप्टो करेंसी को करे रेगुलेट। पीएनबी ने ग्राहकों को किया अलर्ट, साइबर क्रिमिनल से रहे सावधान वरना खाली हो सकता है आपका अकाउंट। वीडियो कॉल पर 900 कर्मचारियों की छुट्टी करने वाले सीईओ विशाल गर्ग तत्काल प्रभाव से भेजे गए छुट्टी पर। अक्टूबर के महीने में भारत के औद्योगिक उत्पादन में हुई 3.2% की बढ़ोतरी, खनन और विनिर्माण क्षेत्र में भी हुई वृद्धि। स्टील के दाम में गिरावट आने से कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगी अब बड़ी राहत। तीन साल में तैयार हुआ देश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कार की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर होने पर हो जाएगा चालान। क्रेडिट स्विस ने आर्थिक मोर्चे पर दी खुशखबरी, कहा FY23 में 9% रह सकती है देश की जीडीपी ग्रोथ। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड को बुरी तरह हराया, सीरीज में बनाई बढ़त। चयनकर्ताओं पर भड़के पूर्व कोच, कहा विराट कोहली को 2023 तक विश्व कप तक बनाए रखना चाहिए था कप्तान।
नाथन लियोन ने हासिल किया 400वां टेस्ट विकेट, ऐसा करने वाले महज तीसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर बोले, विराट कोहली को वनडे की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। केवाईसी फ्रॉड में फंसे सचिन तेंदुलकर के साथी क्रिकेटर, 1 लाख रुपए से ज्यादा का लगा चूना। जो रूट की रिकॉर्ड पारी से इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब, स्टीव स्मिथ सहवाग को पीछे छोड़ा। ब्रिस्बेन टेस्ट में अचानक बंद हुआ डीआरएस, दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट भी पड़ा था। कीवी गेंदबाज का विवादित बयान, कहा टीम इंडिया के घर के शोर। कामली हुए साइबर ठगी के शिकार, पूर्व क्रिकेटर विनोद कामली को साइबर ठगों ने लगाया 1 लाख का चूना। अंडर 19 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, यश धुल होंगे टीम के कप्तान। 25 दिसंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। जेठालाल दिलीप जोश की बेटी की शादी में किया उन्होंने मजेदार डांस, लोग बोले दया बेन साथ होती तो मजा आ जाता। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान एयरपोर्ट पर बेटी अरहान से मिलकर हुए इमोशनल। समंता प्रभु ने सिंपल कॉटन साड़ी में ढाया कहर और फ्लॉन्ट किया परफेक्ट फिगर। पवन सिंह ने बॉलीवुड सॉन्ग तुमसा कोई प्यारा के भोजपुरी वर्जन से मचाया तहलका, रिलीज होते हुए हुआ वायरल। अमिताभ बच्चन की किराएदार बनी कृति सेनन, एक महीने का किराया है लगभग 10 लाख रुपए। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर भावुक हुए हैं एक्टर धर्मेंद्र, नम आंखों से जाबाजों के लिए लिखा भावपूर्ण संदेश। मुंबई में अगले हफ्ते वेडिंग रिसेप्शन दे सकते हैं विकी कैटरीना, बीएमसी की परमिशन के बाद वेन्यू होगा फाइनल। समंता प्रभु को मिला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस ओटीटी अवार्ड, एक्ट्रेस ने इस बात की खुशी सोशल मीडिया से की शेयर। ब्रह्मास्त्र का पोस्टर 15 दिसंबर को होगा रिलीज, फिल्म की रिलीज डेट भी जल्द आ जाएगी सामने। रोहतक सुप्पा को मिले नए वीसी, फिल्म अभिनेता और महाभारत में युधिष्ठिर के किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने संभाला पद। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।